आज हम बात करेंगे EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में, जो स्केलेबल है, इलास्टिक है एंड क्लाउड नेटिव NFS फाइल सिस्टम है, नेटवर्क फाइल सिस्टम, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस जब हम चाहते हैं कि एक सेंट्रलाइज फाइल सिस्टम रखें मल्टीपल इंस्टेंस के लिए, मल्टीपल सिस्टम्स के लिए, तो उस केस में हम अमेजन इलास्टिक फाइल सिस्टम का यूज करते हैं या S3 का भी यूज करते हैं, लेकिन दोनों पे कुछ लिमिटेशंस हैं, तो हम S3 की ओर जाएंगे नहीं। हम बात करेंगे इलास्टिक फाइल सिस्टम के बारे में, ये है क्या और इसको कैसे माउंट करते हैं, इसके डिपेंडेंसी क्या हैं, उसको माउंट करने में क्या क्या डिपेंडेंसी हैं, डिफरेंट मेथड ऑफ माउंटिंग पॉइंट क्या होते हैं। तो इसके डॉक में वेल एक्सप्लेन किया हुआ है अमेजोन के डॉक में NFS के बारे में, प्रोवाइड सिंपल सर्वरलेस सेट एंड फॉरगेट इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये क्या है, जितना ज़्यादा इसका साइज बढ़ते जाएगा वो एक्सपेंड होते जाएगा। अगर हम 5GB अभी इसमें डेटा प्लेस करते हैं तो 5GB अप टू 5GB स्टोर रखेगा, अगर सडनली मेरे पास 20GB हुआ, 30GB हुआ, तो ऑटोमेटिक एक्सपेंड कर लेगा। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, लास्ट टाइम मैं सर्च कर रहा था, बहुत सारे रिसोर्स सर्च किए कि प्रोविजनिंग, ब्रस्टिंग, इस सब में क्या फर्क होता है व्हाइल क्रिएटिंग दिस फाइल सिस्टम। सपोज देयर इज ऑप्शन, साइज दिस, तो यहाँ पे जब हम फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो सिंपल में एक नेम पूछा जाता है कि एक यहाँ पे नाम पूछा जाएगा जो हम अगर देते हैं सिंपल फाइल सिस्टम, सिंपल फाइल सिस्टम। तो सिंपल फाइल सिस्टम मैंने दिया, यहाँ पे रीजन है वन जोन और रीजनल और वन जोन। वन जोन मतलब कि सिंगल जोन में, वन जोन मतलब कि यह सिंगल जोन में रखेगा, और रीजनल हो गया कि मतलब एक कंप्लीट में भी कि एक रीजन में मल्टीपल जोन हो सकते हैं, जैसे कि जोन ए, जोन बी, जोन सी। तो अगर रीजन में हम रखते हैं तो वहां पे मेरा जितने भी जोन है वहां पे, अगर 3 जोन है, 4 जोन है, तो उस 4 जोन पे मेरा एक रेप्लिका मेंटेन किया जाएगा। अगर सिंगल जोन हम करते हैं तो एक सिंगल जोन, अगर किसी रीजन में एक, जैसे कि यहाँ पे अभी देखिए अवेलेबल जोन यहाँ पे है एपी साउथ ईस्ट 1A, एपी साउथ ईस्ट 1B, 1C, तो हम कोई एक जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर रीजनल हम करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि वो उस तीनों लोकेशन पे एक रेप्लिका रखेगा इसका। अब यहाँ आते हैं VPC जो है वो आपका वर्चुअल नेटवर्क रहेगा, जो यहाँ पे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के है, जो आपका बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड आएगा जिस रीजन में आप अकाउंट क्रिएट किए हैं। और ये फाइल सिस्टम, अभी अगर डायरेक्टली यहाँ पे क्रिएट कर लें तो बाय डिफॉल्ट जो इसका बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस हैं उसको लेकर ये फाइल सिस्टम क्रिएट कर लेगा, लेकिन मैं इसके अंदर जाऊंगा कस्टमाइज ऑप्शन पे, क्या क्या हमको मिल रहा है। कस्टमाइज पे आते हैं तो ये दोनों तो सेम ऑप्शन रहेंगे। उसके बाद आते हैं इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये लाइफ साइकिल मैनेजमेंट लास्ट टाइम मेरे साथ यही हुआ था कि लाइफ साइकिल मैनेजमेंट मैंने यहाँ पे सेवन डेज सिलेक्ट कर लिया था फाइल सिस्टम क्रिएट करते समय, और वो क्या किया कि जो 7 डेज लाइफ साइकिल में 7 दिन तक जो डेटा एक्सेस नहीं हुआ उसको क्या किया कि कोल्ड स्टोरेज एक होता है जहाँ इनफ्रिक्वेंट एक्सेस बोलते हैं, जो फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं किया जाए वहां पे उस डेटा को मूव कर देगा, और जब आप फिर से उस डेटा को रिट्राइव करेंगे तो वहां पे बहुत ज्यादा लग जाएगा, जैसे कि टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। अगर 600 सेकेंड्स तक टाइम कंज्यूम हो सकता है। यहाँ पे फिर परफॉर्मेंस मोड आता है, परफॉर्मेंस मोड है एक जनरल पर्पस, जैसे हम लोग SSD यूज करते हैं, जनरल पर्पस HSD यूज करते हैं उस तरह का, और एक है मैक्स आयो। यहाँ सपोज HHD और SSD में जो डिफरेंस है वो है
ये जनरल पर्पस एंड मैक्स आयो, मैक्स आयो मैक्सिमम इनपुट आउटपुट, जैसे SSD उस काम को करने में फास्ट होगा और SDDA उस काम को करने में स्लो होगा। तो अगर जनरल पर्पस लेते हैं तो थोड़ा स्लो होगा, लेकिन रीड राइट तो ये भी करेगा, आयो ऑपरेशन इस पर भी होगा लेकिन थोड़ा स्लो रहेगा। और यहाँ अगर करते हैं मैक्स आयो तो ये थोड़ा ज्यादा फास्ट रहेगा इन द सेंस ऑफ आयो ऑपरेशन। फिर उसके डाउन साइड ऑप्शन में आते हैं थ्रो आउटपुट मोड। थ्रो आउटपुट मोड होता है कि जैसे पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर कितना रखा गया है पर सेकेंड। अगर मल्टीपल जोन में है, मल्टीपल रीजनल, मल्टीपल जोनल है, यहाँ पे अगर जोनल है तो जोनल मीन्स वहां पे जितने यहाँ पे अगर रीजनल है तो रीजनल में वहां पे मल्टीपल जोन्स होंगे, तो थ्री फोर जोन्स में आपका डेटा अगर रख दिया गया है, अगर आप लाइफ साइकिल सेलेक्ट किए हुए हों और वहां से एक जोन से दूसरे जोन से डेटा ट्रांसफर किया जाए रन टाइम होते समय, तो वहां पे ब्रस्टिंग मोड जो है वो काम नहीं करेगा। इसका एग्जांपल मैं दिखाता हूं। लास्ट टाइम जब मैं किया था, मैं बस डाउनलोड करके रखा हूं इनके स्क्रीनशॉट को। हाँ, यहाँ पे फाइल मैंने सर्च करके लाया, तो यहाँ पे देखेंगे कि थ्रू आउटपुट मोड जो है, जो अभी यहाँ पे दिखा रहे थे ऑप्शन जो है ब्रस्टिंग एंड प्रोविजन क्या रखना चाहिए, तो यहाँ पे ये वर्क करता है मेनली थ्रू आउटपुट फिक्स्ड। यहाँ पे अगर फिक्स्ड करते हैं तो हमको पूछा जाएगा कि कितना MBPS पर सेकेंड, मैक्सिमम 1024 MBPS पर सेकेंड पे जाता है। अगर हम यहाँ पे हमको चाहिए कि 100 Mbps पे मेरा इनफ है, तो इसका बिलिंग अलग से होगा। थ्रू आउटपुट कैन बी बिल $720 पर मंथ, इसका बिलिंग अलग से जाएगा। अरे मैक्सिमम अगर आप मिनिमम प्रोविजन किए हैं कि मेरा 100 Mbps पर सेकंड रहना चाहिए थ्रू आउटपुट मोड, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम हो जा सकता है 300 तक मैक्सिमम जाएगा। लेकिन ये कॉस्टली है क्योंकि स्टोरेज के बाद भी तो अभी आते हैं, अगर हम यहाँ ब्रस्टिंग पे रखते हैं तो क्या होता है। अगर ब्रस्टिंग पे रखें और यहाँ पे रीजनल ही रखते हैं और लाइफ साइकिल यहाँ पे ये रखते हैं और ये जनरल पर्पस रखते हैं, तो क्या होगा। यहाँ पे अगर क्रिएट कर देंगे फाइल सिस्टम अगर यहाँ पे क्रिएट करते हैं, तो जब जब ये डेटा सेव करना चालू करेगा, जब आप इसमें डेटा डालना चालू करेंगे तो क्या होगा, ये 7 days तक वेट करेगा। उसके बाद क्या करेगा, ये लास्ट वाले इमेज देख रहे होंगे, ये है साइज इन स्टैंडर्ड वन जोन, सिंगल जोन में। जैसे कि जोनल वहां पे बोले थे कि एक जोन अगर वन जोन सेलेक्ट करते हैं तो सिंगल जोन पे रखेगा, अगर रीजनल सेलेक्ट करते हैं तो मल्टीपल जोन्स में आपका रेप्लिका रखेगा। फिर है साइज इन स्टैंडर्ड IA, इनफ्रीक्वेंट। IA मींस दिस IA इज इनफ्रीक्वेंट एक्सेस एंड वन जोन IA। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस मतलब कि ये जो फाइल सिस्टम है वो फ्रीक्वेंट एक्सेस में नहीं है, ये फ्रीक्वेंटली एक्सेस नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा अगर मेरा यहाँ पे रेशियो देखें तो टोटल साइज है 16.1 GB, जिसमें स्टैंडर्ड साइज जो एक जोन पे रखा गया है एक्सेस, जो फ्रीक्वेंट एक्सेस में है, फ्रीक्वेंट एक्सेस साइज मेरा दिया गया है 5 GB फ्रीक्वेंट एक्सेस में रखा गया है, और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में मेरा 10 GB डेटा मूव कर दिया गया है, यानी कि कोल्ड स्टोरेज में मूव कर दिया गया। तो कोल्ड स्टोरेज अगर डिफरेंट जोन में है और वहां से फ्रीक्वेंट एक्सेस जोन में आएगा, यानी कि एक जोन से दूसरे जोन में ट्रांसफर होगा, तो वहां पे तो आपका थ्रू आउटपुट मोड बढ़ेगा क्योंकि जोनल ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ब्रस्टिंग है तो ब्रस्टिंग में लिमिटेशन है कि इसका मैक्सिमम अगर आपका क्रॉस करता है, यूटिलाइजेशन 70% क्रॉस होता है,
तो आपको अलर्ट देना चालू कर देगा कि वेस्टिंग इज क्रॉसिंग 75% एंड इट्स गोइंग टू यूज द 100% इज इट्स यूजिंग 100%. सपोज आई विल शो एन एग्जांपल, यू कैन सी दिस, योर थ्रू आउटपुट यूटिलाइजेशन इज हाई, दिस मे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ फाइल सिस्टम परफॉर्मेंस. तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा था उसमें क्या हुआ कि जो वेब एप्लीकेशन, जो वेब एप्लीकेशन रन हो रहा था वो इस फाइल सिस्टम पे, यहाँ पे डेटा सेव कर रहा है इस फाइल सिस्टम पे, जो भी सेशंस हैं या जो भी अपलोड्स हो रहे हैं इस पे सेव कर रहा है. और जब पिछले जो अपलोडेड डेटा थे उसको जब एक्सेस करने के लिए गया तो उस केस में यहाँ पे जो कोल्ड स्टोरेज में फाइल मूव हो गया था वहां से डेटा ट्रांसफर करने में ये थ्रू आउटपुट इंक्रीज होने लगा, जो क्रॉस करने लगा 110 115 तक जाने लगा. तो जो मेरा क्रेडिट था, ब्रस्ट क्रेडिट यहाँ पे हर सेकंड कुछ क्रेडिट मिलता है PFS को, जो आपका फाइल साइज है उसके हिसाब से. जैसे फाइल साइज मेरा अगर 16 है तो पर जीबी 3 क्रेडिट मिलते हैं, पर जीबी 3 क्रेडिट. तो इस तरह से मेरा पूरा क्रेडिट भी खत्म हो गया रन होने में. और मुझे ध्यान तब आया जब मुझे एक ईमेल अलर्ट आया लाइक कि मेरा वेब सर्वर डाउन है या मेरा एप्लीकेशन डाउन है, क्योंकि वहां पे एक लोड बैलेंसर लगा हुआ है तो वो अलर्ट भेजता रहता है. तो भेजा कि वेब सर्वर डाउन, वेब एप्लीकेशन डाउन है. तो मैं सर्च करना चालू किया तो मैंने RDS में भी देखा कि वो स्टेबल है. तो फिर मुझे ध्यान आया कि फिर एक एक्सटर्नल EFS रन हो रहा है, EFS को देखा तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन इसका पूरा हाई था. तो मैंने सेम डे ही सोचा कि इसको माइग्रेट कर देंगे दूसरे EFS पे, दूसरे EFS एक दूसरा एक नया EFS क्रिएट करेंगे जिसमें हम जर्नल रखेंगे और कोई भी पॉलिसी यहाँ पे, कोई भी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट यहाँ पे नहीं रखेंगे. अगर आप रखते हैं लाइफ साइकिल मैनेजमेंट रखते हैं तो आपको अगर फ्रीक्वेंट एक्सेस नहीं है तो वहां पे रख सकते हैं फ्रीक्वेंट एक्सेस अगर नहीं है तो. अगर इन, अगर बहुत सारे चीज है जो आप आर्काइव कर दिए हैं और उस चीज को नहीं चाहते कि मतलब वो मेरा प्राइमरी स्टोरेज पे रहे तो उसको आप इनएक्टिव स्टोरेज में, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस स्टोरेज में डाल सकते हैं जो कोल्ड स्टोरेज है. उसका चार्जेस थोड़ा कम होता है. ये जैसे ये होता है वार्म स्टोरेज और होता है कोल्ड स्टोरेज, तो वार्म स्टोरेज का चार्ज हमेशा ज्यादा होता है. तो यहाँ पे और डिफरेंट ऑप्शंस है, 7 days, 14 days, 30 days, 60 days, 90 days. तो जिसमें जो भी आप चाहें वो उसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं. ये हो गया ब्रस्टिंग एंड प्रोविजनिंग का मेन डिफरेंस है कि ब्रस्टिंग जो आपका क्रेडिट जो आप हर सेकेंड कमाते हैं या हर मिनट जो आपको क्रेडिट मिलता है, अगर किसी टाइम यूटिलाइजेशन पीक पे हो तो उस टाइम में आपका क्रेडिट यूज होगा. और प्रोविजन में है कि प्रोविजन हम इतना प्रोविजन कर दिए हैं कि मेरा EFS पे इतना MBPS ऑल टाइम रहना चाहिए, ऑल टाइम इतना MBPS रिजर्व रहना चाहिए, दैट इज प्रोविजन. तो यहाँ दो ऑप्शन है, दोनों में प्रोविजन एक्सपेंसिव होता है और ये चीपर है, ब्रस्टिंग चीपर है. उसके बाद आते हैं इनेबल इनक्रिप्शन ऑफ फ्रेश डेटा. तो इनक्रिप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड रहेगा, यहाँ नहीं भी कर सकते हैं. सिलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक की का की देने के लिए कहेगा जो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं और यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा. और यहाँ पे टैग नेम में नेम दे सकते हैं, आप नेम दे सकते हैं और उसका वैल्यू दे सकते हैं. और जस्ट एक बटन होगा यहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आपका नेटवर्क सिलेक्शन का ऑप्शन आएगा. आपकी नेम यहाँ पे सिंपल EFS नेक्स्ट करते हैं तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट सिलेक्शन में आता है आपका यहाँ पे एवेबिलिटी जोन्स. एवेबिलिटी जोन्स कहाँ कहाँ पे, ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है कि ये बाय डिफॉल्ट मेरा ले लिया है, जो सिक्योरिटी ग्रुप है डिफॉल्ट ग्रुप ले लिया है जिसमें ऑल नेटवर्क इन होगा और ऑल नेटवर्क आउट होगा, बाय डिफॉल्ट ले लिया है. अगर आप चाहते हैं कि नहीं इस ग्रुप में कुछ इन ना हो केवल आउट रहे तो भी सिलेक्ट कर सकते हैं. आप खुद क्रिएट कर सकते हैं या कोई सिक्योरिटी ग्रुप आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से. उसके बाद आता है नेक्स्ट. नेक्स्ट जैसे ही आएंगे तो वहाँ पे फाइल सिस्टम पॉलिसी ऑप्शन यहाँ पे देता है. मैंने यहाँ पे फाइल सिस्टम पॉलिसी ऑप्शन है कि पब्लिकली एक्सेस रहेगा या नहीं,
क्या उसको प्रिवेंट एनोनिमस एक्सेस है, इनफोर्स इन ट्रांजिशन इनक्रिप्शन फॉर ऑल क्लाइंट है, जैसे ही डालेंगे वो अपना पॉलिसी दे देगा, यहाँ पे कोई सिलेक्शन आप करते हैं तो पॉलिसी दे देगा। तो बाय डिफॉल्ट मैंने अभी कोई पॉलिसी सिलेक्ट नहीं किया है, यहाँ पे जब नेक्स्ट करेंगे तो ये आपको यहाँ पे दे देगा क्या क्या चीज इडिटेबल है और क्या क्या इडिटेबल नहीं है। इडिटेबल में आपका नेम आएगा, परफॉर्मेंस मोड इडिट नहीं कर सकते, प्रो आउटपुट मोड इडिटेबल रहेगा, अगर ब्रस्टिंग है तो उसको हम प्रोविजन कर सकते हैं, इनक्रिप्शन इडिटेबल नहीं रहेगा, लाइफ साइकिल इडिटेबल है, यू कैन इडिट द लाइफ साइकिल, ऑटोमेटिक बैकअप इडिटेबल है, और वीपीसी आईडी इडिटेबल है, अवेलेबिलिटी जोन इडिटेबल नहीं है। और जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो एक ईएफएस फाइल क्रिएट हो जाएगा। अभी सपोज यहाँ पे आते हैं, एक ईएफएस फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, ईएफएस फाइल तो इसका देखते हैं, ये अभी दिया हुआ है जनरल पर्पस टेस्टिंग लाइफ साइकिल नोड, जो हम सिलेक्ट किए थे, जो फ्रीक्वेंट और इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डेटा को पुश कर देता है, ऑटोमेटिक बैकअप इनेबल्ड है, इनक्रिप्शन नॉट इनेबल्ड है, फाइल स्टेट अवेलेबल है। तो यहाँ पे अभी इसका साइज है 16.26, जो फाइल सिस्टम आपको मैंने पिछले इस स्लाइड में दिखाया था उस समय इतना था 16.10, सेम फाइल सिस्टम है। अभी साइज इन स्टैंडर्ड जोन इज 16.26, अगर ये रीजनल है और ये सिंगापुर में, अगर सिंगापुर में अवेलेबल है, सिंगापुर रीजन में पड़ता है, तो यहाँ पे थ्री रीजन्स होंगे, साउथ ईस्ट A1A, साउथ ईस्ट 1B, साउथ ईस्ट 1C, तो ये तीन जोन पे इसी साइज का एक स्टोर करके रखेगा, एक रेप्लिका रखेगा। हम मॉनिटरिंग पे आते हैं, तो लास्ट टाइम जो पेन हुआ था वो हुआ था इसके कारण, कारण जो थ्रू आउटपुट यूटिलाइजेशन मेरा ज्यादा जा रहा था। अभी आप देख सकते हैं थ्रू आउटपुट यूटिलाइजेशन less than 20% है, less than 20 मीन्स 20 Mbps से भी कम है, क्योंकि ये सिंगल जोन में है और ज्यादा फाइल ट्रांसफर हो नहीं रहा है, क्योंकि ज्यादा फाइल ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं है, माउंटेड क्लाइंट एक ही है। और परसेंटेज ऑफ आईओ लिमिट इज ऑल्सो इन कंट्रोल। अभी आते हैं फाइल सिस्टम पॉलिसी, फाइल सिस्टम पॉलिसी नहीं है, एक्सेस पॉइंट मैंने दिया नहीं है क्योंकि मैं इससे एक्सेस कर रहा हूँ, नेटवर्क थ्रू एक्सेस कर रहा हूँ, मेरा जो वीपीसी दिया हुआ है अवेलेबिलिटी जोन से, तो मैं वहां पे एक्सेस कर रहा हूँ। अभी आते हैं इसके क्रिएशन का तो देख लिया, अभी इसके आते हैं माउंटिंग पॉइंट पे, कि माउंट कैसे करना है, कोई भी इंस्टेंस पे हम इसको माउंट कैसे करें या अनमाउंट कैसे करें, और माउंटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस क्या हैं, और जो अगर इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम है, इनक्रिप्टेड, यहाँ दो तरह से इनक्रिप्शन काम करते हैं, एक माउंटिंग इनक्रिप्शन है, जब माउंट करते हैं तो जो ट्रांजिशन होगा इंस्टेंस EC2 और NFS के बीच में जो ट्रांजिशन होगा वो भी इनक्रिप्टेड हो, उसके लिए एक डिफरेंट टूल यूज होता है, जो बाय डिफॉल्ट मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम में बाय डिफॉल्ट प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और कुछ में प्री इंस्टॉल्ड नहीं आते हैं, तो उसको भी देखेंगे और हम आगे बढ़ते हुए आएंगे इसके क्लासेस। यह माउंटिंग के लिए आप देख सकते हैं कि माउंट ऑन EC2 लिनक्स यूजिंग EFS माउंट हेल्पर, एक माउंट हेल्पर है जो आपको EFS यूटिल है, EFS Util आपको यहाँ GitHub पे मिल जाएगा, github.com AWS EFS Util। तो बाय डिफॉल्ट ये इतने ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, इतने ऑपरेटिंग सिस्टम पे अपना डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं, तो इसको इंस्टॉल करने का भी यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है। मेरे केस में मैं ये डायरेक्टली डेबियन पैकेज बिल्ड करता हूँ सोर्स से, यहाँ पे सोर्स को मैं क्लोन करता हूँ, उसके बाद उसको मैं बिल्ड डेब करता हूँ, और जो डेब बिल्ड होता है वहां से मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, मैं सोर्स जो ये सोर्स है इसी को क्लोन करके यहाँ से बिल्ड खुद सिस्टम पे बिल्ड करके वहां से इंस्टॉल ऑटोमेटिक करता हूँ।
मैं इस चीज को फॉलो करता हूँ। आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से उसको डायरेक्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पे कैस भी रिलीज अवेलेबल है, रिलीज अवेलेबल है, जहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये एक हो गया इंस्टॉलेशन जो इलास्टिक फाइल सिस्टम को माउंट करने के लिए यूज होता है। अब आते हैं माउंटिंग पे, तो ऑप्शन क्या है। तो माउंट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको डायरेक्टरी बनाना पड़ेगा जो जहाँ पे आप फाइल सिस्टम को माउंट करना चाहते हैं। जैसे सपोज हम बनाए mkdir efs mount, efs mount करके एक डायरेक्टरी हम बनाए, तो वहां पे जब efs mount मेरा जो डायरेक्टरी है उस पे मैं माउंट करूंगा जो efs क्रिएटेड है उसको। तो उसके लिए क्या है, sudo mount efs डायरेक्टली, मैं टी नहीं दे रहा हूँ, टी होता है tls के लिए, tls ए टाइप ऑफ इंक्रिप्शन। वाइल ट्रांजिशन मैंने बताया कि एक बिना इंक्रिप्शन के ट्रांजिशन होगा और एक विथ इंक्रिप्शन होगा, EC2 टू EFS इंक्रिप्टेड डेटा प्रोसेस होगा। तो उसके लिए माइनस टी ऑप्शन देते हैं TLS के लिए। तो डायरेक्टली यहाँ भी दे सकते हैं sudo mount EFS फाइल सिस्टम आईडी और फाइल सिस्टम माउंट पॉइंट मेरा है EFS माउंट पे। तो ये क्या करेगा कि वहां पे माउंट कर देगा। तो मैं अभी एक्सेस करने के लिए रेडी हूं उस फाइल को वंस इट माउंटेड। सॉरी माइनस ओ टीएलएस जब देते हैं माइनस ओ टीएलएस तो ये इंक्रिप्शन के लिए रेडी हो जाता है, विथ इंक्रिप्टेड डेटा प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। माइनस टी माउंटिंग के लिए यूज होता है ऑप्शन विथ ईएफएस। माइनस ओ टीएलएस ए ऑप्शन जो है ए होता है इंक्रिप्शन के लिए। तो इंक्रिप्शन के लिए जब भी यूज होता है तो उसके लिए भी एक डिफरेंट एप्लीकेशन है जो इसका यूज होता है। अगर वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं है तो फाइल सिस्टम एक्सेस में प्रॉब्लम आएगा। जो उसके लिए एक यूज होता है एस टनल एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन है, एस्टर्नल प्रॉक्सी डिजाइन टीएलएस इनक्रिप्शन फैसिलिटी टू एग्जिस्टिंग क्लाइंट एंड सर्वर विदाउट एनी चेंज इन प्रोग्राम कोड। ये क्या करता है कि एक बीच का लेयर ऐड कर लेता है जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में बिना कोई कोड चेंज सबके इंटरेक्ट होता है। तो यहाँ से अभी इसके बहुत सारे वर्सन है, इसका एक मेजर फॉल्ट ये है कि जब वर्सन अपडेट करते हैं तो प्रीवियस वर्सन जो भी हैं वो यहाँ पे मेंटेन नहीं रखते हैं। जैसे कि प्रीवियस वर्सन अगर आप मान लीजिए कि 5.56 यूज कर रहे हैं, 5.57 यूज कर रहे हैं, तो डायरेक्टली जब नया वर्सन आएगा तो इसको रिप्लेस कर देंगे, पिछला वर्सन नहीं मिलेगा। तो उसको बहुत ही एक डेंजरस स्थिति है। अगर मान लीजिए कहीं पे आप ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट रन कर रहे हैं जिसमें वो वर्सन आप मेंशन कर चुके हैं तो उस केस में फेल हो सकता है। तो यहाँ अगर लिनक्स सिस्टम यूजर हैं तो आप इस फाइल को जा सकते हैं, इस फाइल को लेकर और एक्सट्रैक्ट करके इसका एक्सट्रैक्ट करके इसको सेम वे में बिल्ड करके वहाँ एक SS फाइल होगा उसको बिल्ड करके उसको इंस्टॉल मार सकते हैं। और वंस ये इंस्टॉल्ड हो गया या बाय डिफॉल्ट आप लिनक्स यूजर हैं तो apt-get इंस्टॉल वहां पे मार सकते हैं, एक्सटर्नल लो डायरेक्ट इंस्टॉल कर लेगा क्योंकि उधर भी अवेलेबल है। अब आते हैं इसके माउंटिंग हेल्पर्स के, वो देखते हैं माउंटिंग EFS। तो ये देता है फाइल सिस्टम को माउंट करने के लिए टारगेट, कैसे कैसे माउंट करने हैं, क्या क्या उसके डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ वेल एक्सप्लेन किया है to mount over TLS simply a TLS option minus O TLS। इसका रोल एक देना है और एक बार जब माउंट हो गया तो हो सकता है कि फिर से EC2 start होगा या instance start होगा तो आपका आप जो माउंट किए हैं वो हट जाए माउंट हो जाए EFS। तो उसके लिए एक FS tab होता है, FS tab में आप ऐड कर सकते हैं माउंटिंग के लिए जो यहाँ पे दिया गया है टू माउंट योर फाइल सिस्टम ऑटोमेटिकली विथ ऑप्शन से वर्ब यू कैन ऐड इंट्रीज इन
एफ एस टैब जो कि होगा /etc/fstab में लोकेटेड होता है, वहां पे आप ये चीज डाल सकते हैं फाइल सिस्टम आईडी, जो फाइल सिस्टम आईडी है आपका वो स्पेसिफिक माउंट पॉइंट कहाँ उसको माउंट करना है। उसके बाद ई एफ एस नेट डाव मैंडेटरी है, चाहे TLS पे माउंट करें या नॉर्मल माउंट करें, इन्हें डेव जरूरी है। TLS IAM रोल और ऑनर यहाँ पे दे सकते हैं, ऑनर एक्सेस पॉइंट आईडी 00 परमिशन का कुछ होता है जो वहां पे दे सकते हैं। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली हमेशा आपको माउंट कर देगा। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है चूजिंग द राइट ऑप्शंस व्हाइल क्रिएटिंग द फाइल सिस्टम। एंड और एक चीज यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, माउंटिंग कैसे करना है, TLS माउंट करना है या विदाउट TLS माउंट करना है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस के TLS जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जब आप नेट डाइव यूज करते हैं और नो अदर ऑप्शन करके आता है, मैं दिखाता हूँ उसको। माउंटिंग ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ये आता है माउंटिंग विथ EFS माउंट हेल्पर। यहाँ पे NFS सर्व है, साइज है, टाइम आउट है, रिटेंशन है, नो रिवर्स पोर्ट है। नो रिवर्स पोर्ट है, ये क्या करेगा कि एक डिफरेंट प्रोटोकॉल ये सेव करेगा। अगर TLS पे नहीं है तो ये डिफरेंट प्रोटोकॉल अपना जनरेट करेगा और उस पर वो माउंट करके डेटा ट्रांसफर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। तो ये था EFS का, जो लास्ट टाइम मैंने फेस किया था आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।